तो यहाँ पर यार सैमसंग उनका गैलेक्सी सीरीज का एक और बहुत ही बढ़िया बजट स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी इंडिया पे लॉन्च करने वाला है। फोन का यहाँ पर नाम होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G, जिसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का एक बहुत ही बढ़िया वॉयस कैमरे का सपोर्ट मिलेगा। उसके साथ साथ 120 हर्ट्ज का आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा सैमसंग का डिस्प्ले। उसके साथ साथ और भी बहुत सारा तगड़ा तगड़ा फीचर्स मिलेगा। उसके साथ साथ ये इंडिया पे कब लॉन्च कर दिया जाएगा यहाँ पर सैमसंग की तरफ से, उसके साथ साथ सैमसंग गैलेक्सी M34 5G डिवाइस का इंडिया पे एग्जैक्टली प्राइस क्या होने वाला है सब कुछ बताऊंगा। उसके साथ साथ A to Z सारा फीचर्स बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस स्मार्टफोन के हम लोग फर्स्ट लुक की बात करें तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M34 5G कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। अदर्स जो गैलेक्सी फोन से उनके तरह ही आपको देखने को मिलेगा। इसका जो भाई डिज़ाइन है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G डिवाइस के अंदर। उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज का एक बहुत ही बढ़िया फास्ट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity 1080 का या फिर आप बोल सकते हो 1080 का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल 5G प्रोसेसर आपको मिलेगा। उसके साथ साथ कैमराज की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसके अंदर आपको OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो यानी ट्रिपल रियर कैमरा का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। रियर कैमरा के अंदर आप फुल HD 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे और यहाँ पर सामने आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा या फिर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा के अंदर भी आप फुल HD 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। 6000 mAh का बैटरी मिलेगा 25W के सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। उसके साथ साथ आपको आउट ऑफ द बॉक्स One UI के साथ Android 13 पर ये फोन रन होने को देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन की वेट की बात करें तो 199 ग्राम वेट है, तो फोन ज़्यादा भारी देखने को नहीं मिलेगा, मीडियम वेट होने वाला है, 199 ग्राम वेट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपको USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा चार्जिंग के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको हेडफोन जैक मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया क्या सैमसंग ने 3.5 mm ऑडियो जैक प्रोवाइड कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G डिवाइस के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। जी हाँ भाई, तो देखो सैमसंग गैलेक्सी M34 5G एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी तगड़ा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा वॉयस के साथ। यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलेगा, तो मैक्रो सेंसर आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा। तो देखो हम बाकी कंपनीज की बात करें, वन प्लस हो गया, रियलमी हो गया, Xiaomi हो गया, वीवो, ओप्पो, उसके साथ साथ मोटो, ये जो सारे ब्रांड्स हैं वो अभी जो भी न्यू फोन लॉन्च कर रहे हैं इंडिया पे उनके अंदर आपको सिर्फ भाई 2 मेगापिक्सल का यानी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिल रहा है। भाई 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो है किसी काम का नहीं है, फालतू यहाँ पर कंपनी चिपका दे रहा है मैक्रो के नाम से। पर दोस्तों ये जो फोन है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G, इसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया एंड बेस्ट चीज़ लगा इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है एंड जो सबसे बेस्ट है यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर जो मैक्रो सेंसर है वो आपको देखने को मिलता है। तो कैमरा सेटअप मुझे बहुत ही तगड़ा लगा इस फोन के अंदर। कैमरा क्वालिटी, फोटो क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा। आपको पता ही होगा सैमसंग के फोन्स के स्पेशली यहाँ पर जो गैलेक्सी सीरीज के फोन्स होते हैं उसके अंदर कैमरा काफ़ी बढ़िया होता है। आप देखो लॉन्च डेट की बात करें तो यहाँ पर जुलाई महीने के 7 तारीख को, जी हाँ आप यहाँ पर नोट करके रख लो भाई, जुलाई महीने के 7 तारीख के अंदर इंडिया पे यानी एग्जैक्टली भाई, जी हाँ एग्जैक्टली जुलाई महीने के 7 तारीख को इंडिया पे ये जो सैमसंग गैलेक्सी M34 है इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। और प्राइस की बात करें तो लगभग आप मान के चलो 27,000 या फिर 28,000, जी हाँ 27,000 या फिर 28,000 रुपीज़ के आसपास ये जो सैमसंग गैलेक्सी M34 यहाँ पर जो 5G डिवाइस है ये आपको लॉन्च होने को देखने को मिल जाएगा जुलाई तरीके 7 तारीख के अंदर। अगर दोस्तों जी हाँ अगर यहाँ पर 25,000 से लेकर 26,000 रुपया के आसपास या फिर 27 आप मान के चलो 27,000 रुपया के आसपास ये फ़ोन लॉन्च करता है इंडिया पे सैमसंग, तो वन ऑफ द बेस्ट फोन ये हो जाएगा 27,000 रुपीज़ के अंदर इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोग यार बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे सैमसंग गैलेक्सी M34 5G डिवाइस इंडिया पे एग्जैक्टली कौन सा डेट के अंदर लॉन्च होने वाला है, क्या क्या फीचर्स मिलेगा एंड प्राइस क्या होने वाला है। तो देखो फोन काफ़ी तगड़ा है, मैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जब इसको लॉन्च करेगा मैं सोच रहा हूँ कि इसको परचेस कर लूँगा। आपका क्या मानना है मुझे कॉमेंट करके भाई ज़रूर से बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, जी हाँ भाई आपका एक लाइक हमारे लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ यार आपका भाई का छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक करके जाना।
उसके साथ साथ आपके सारे दोस्तों के पास ये वाला वीडियो आप शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपके सारे दोस्तों को पता चल जाए सैमसंग का न्यू फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी M34 5G इंडिया पे कब तक लॉन्च होगा, कितना प्राइस होने वाला है। जो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादातर लोगों को प्राइस के बारे में इंटरेस्ट है, वो लोग भाई प्राइस जानना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको भी प्लीज़ आप ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूँगा उसका वीडियो आपको सबसे पहले आपको देख सकते हो या फिर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के ये वाला वीडियो बस यार इतना ही।